हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के जेवर यानी गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी NIA की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंगलवार को प्रदेश के कानपुर और 8 जिलों के कार्यालयों के उद्घाटन और बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में विरोधी दलों पर तंज कसा। नाम लिए बिना कांग्रेस को एक ही परिवार की आरती और घंटी बजाने वाली पार्टी बताया तो समाजवादी पार्टी को भाई ताऊ और चाचे की विकास वाली पार्टी बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मार्च 2022 तक बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट करने की घोषणा की है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल ने तो 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया है। केजरीवाल ने फ्री देने के मामले में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि पंजाब में उनकी सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर सभी युवतियों और महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में प्रोजेक्ट के तहत बन रहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को वहां से हटाकर दूसरी जगह बनाने की मांग की गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई है। इन याचिकाओं में प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव के साथ अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। केरल में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को मछुआरों के लिए बढ़ाया गया है ताकि उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन मिल सके। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया है ताकि इससे मछुआरों की मदद हो सके। भारत में स्क्रैप नीति को लेकर लगातार सरकार मुख्य कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज पुराने वाहनों की रिसाइकल करने की पहली यूनिट का नोएडा के सेक्टर 80 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया है। बता दें कि देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति और ट्वेटो टसयूसो ग्रुप ने मिलकर इन यूनिट का निर्माण किया है। PDB अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पुलिस पर उन्हें घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महबूबा के श्रीनगर के पेरियू गुपकार आवास के बाहर ताला जड़ आवास से बाहर और अंदर जाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती जम्मू की ही तरह श्रीनगर में भी हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में अपने समर्थकों के साथ रोष रैली निकालने की तैयारी कर रही थी। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिकी क्षेत्र परवाणु में मंगलवार दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। हादसा 1:30 बजे के करीब हुआ। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं। वहीं एक नामी कंपनी की ये पुरानी इमारत थी। अचानक 4 मंजिला पुरानी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में दिन पर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,569 नए मामले सामने आए हैं और 236 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 12,202 रिकवरी दर्ज की गई है और इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,13,584 हो गई है। मालदीव के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर है। पहली बार कोई विदेश रक्षा मंत्री भारतीय नौसेना की पासिंग परेड की समीक्षा करेगा। बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा था कि मालदीव और भारत के बीच संबंध पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।